फ्रेंड्स, चलिए हम आपको आज लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाना बताते हैं। काफ़ी कमेंट आ रहे थे हमारे सब्सक्राइबरों के कि हम आपको ये कान्हा जी की ड्रेस बना करके बताएं, जिसके लिए हमने ये कॉटन ही प्लेन कपड़ा लिया हुआ है और इस तरह की मैंने ये लेस ली हुई है। आप अगर प्लेन नहीं लेना चाहते हैं तो प्रिंटेड में भी कपड़ा ले सकते हैं आप, और ये प्योर कॉटन है। तो देखिए, मैं आपको इससे ड्रेस बनाना बताऊंगी बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारे लड्डू गोपाल की ड्रेस आपको कैसी लगी। तो चलिए हम ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने इस तरह से ये कपड़ा एक साथ दोनों तरफ से कट कर लिया है, और जितनी बड़ी भी आपको ड्रेस चाहिए आप अपने लड्डू गोपाल के हिसाब से बना सकते हैं। तो देखिए, मैं चोली के लिए इसमें से ही कपड़ा निकालूंगी। ये देखिए इस तरह से। तो ये मैंने, ये देखिए चोली के लिए कपड़ा निकाला है, और ये देखिए इस तरह से इसकी लंबाई। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इस पे लेस लगाएंगे। बहुत ही आसान है, आप चाहे तो सिलाई मशीन से लगा लें, चाहे आप इसको हाथ से भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम इसको पहले सिल लेते हैं सिलाई मशीन से, फिर दिखाते हैं आपको। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इस तरह से, ये देखिए इसको इस तरह से मोड़ेंगे। ये देखिए, और हम सबसे पहले यहाँ पे सिलाई मशीन से लेस को लगा लेते हैं। तो देखिए, मैं पहले लेस को लगा लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने ये लेस लगा ली है इस तरह से, ये देखिए। अब ये देखिए, मैं यहाँ पे इसका नीचे का घेरा बनाएंगे हम। देखिए, हम इस तरह से ये देखिए इस तरह से हम इसके चुन्नट भरते हुए आएंगे। ये देखिए, तो इसी तरह से हम सभी चुन्नटें भर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये इसका नीचे का घेरा बना के कंप्लीट कर लिया है, ये देखिए। और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसके घूम भर लिए हैं इस तरह से, ये देखिए। आप इन्हें हाथ से भी भर सकती हैं। तो चलिए, हम अब हमने ये कपड़ा निकाला था, हम ये चोली बनाते हैं इसकी। ये देखिए, सबसे पहले हम दोनों तरफ इसमें लेस लगा लेते हैं और आपको फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम दोनों तरफ पहले चोली पे लेस जोड़ लेते हैं, फिर आपको इसके बाद आपको दिखाएंगे। दोनों तरफ मैंने लेस को लगा लिया है, ये देखिए। मैंने दोनों तरफ लेस को लगा लिया है। अब ये देखिए, यहाँ से हम, ये देखिए बीच में बीच हम इसको कट कर लेंगे। और देखिए, आप इसको सिलाई मशीन की भी ज़रूरत नहीं है, हाथ से भी इसको बना सकते हैं, ये देखिए। तो देखिए, यहाँ पे हम इस तरह से बीचम बीच हमने इसको कट कर लिया है, और हम इसको देखिए बीचम बीच जो हम कट करे हैं
इसको हम तुरपाई कर लेते हैं। अगर आपने लेस लगानी है इसके पास भी तो आप लेस भी लगा सकते हैं इस गले पे। ये देखिए, तो मैं इसको इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ पे, ये देखिए, हाथ से ही हम तुरपाई कर लेते हैं। ये देखिए, तो देखिए मैं इस तरह से हाथ से ही गले की तुरपाई कर लूँगी। ये देखिए मोड़ते हुए इसको, फ्रेंड्स हमने इस तरह से गले पे तुरपाई कर ली है, हाथ से ही हमने तुरपाई की है इस पे। और देखिए हम अब किस तरह से इसको लगाएंगे। चोली बनके हमारी कंप्लीट है। ये देखिए इस तरह से हमने रखते हुए, ये देखिए, और जहाँ पे ये खुली है दोनों परत को हम इस तरह से लगा लेंगे। ये देखिए दोनों साइड से, ताकि कान्हा जी को पहनाने में आसानी हो। ये देखिए इस तरह से, तो मैं इसको इसी तरह से यहाँ पे, ये देखिए, इस तरह से सिल लेती हूँ। और ये दोनों परत हमने इस तरह से यहाँ पे सिलने हैं। तो आप इसे हाथ से भी लगा सकती हैं इस तरह से, ये देखिए। देखिए हम इस तरह से, देखिए इसको चोली को लगाने में बहुत आसानी होती है। ये देखिए इस तरह से हम रख के, ये देखिए सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। ड्रेस बनके कंप्लीट है और बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही सादा सी ड्रेस बनाई है हमने। ये देखिए इस तरह से आप लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं और ये 4-5 नंबर कान्हा जी को आराम से आ जाएगी। ये देखिए, ये देखिए। तो आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं लड्डू गोपाल की ड्रेस आपको कैसी लगी। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।